हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक प्राणायाम लेकर आया हूँ, मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस विधि को सीखेंगे और इसके बहुत फ़ायदे हैं और इसे लगभग सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे सरल अभ्यास है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मृदु भस्त्रिका, मृदु भस्त्रिका यानी सॉफ्टली इसको हम करते हैं। मृदु जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि बहुत सॉफ्टली हमें इसको करना है। सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। हाथों की स्थिति जैन मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और जैन मुद्रा में रखेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी हो जाएगी और आँखें बंद हो जाएंगी। प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राणायाम यानी प्राणों पर आयाम, यानी प्राणों को हम कंट्रोल करने की क्रिया करते हैं। इसी तरह मृदु भस्त्रिका प्राणायाम है, यानी नाम से ही प्रतीत होता है कि मृदु भस्त्रिका, मृदु यानी सॉफ्टली और भस्त्रिका यानी धोकनी के समान श्वास को अंदर बाहर लेना। सो फ्रेंड्स, मृदु मतलब सॉफ्टली। जब भी अगर हम इसको तेज गति से करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें इसे सॉफ्टली करना चाहिए। प्राणायाम हमारे अंदर पूरे शरीर को प्रभावित करता है और हमें आरोग्य प्रदान करता है। इस अभ्यास में आंखें बंद होने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें और फिर उसको बाहर छोड़ें। यही क्रिया हमारी जारी रहेगी। इसमें आप 5 मिनट से 10 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन में जब आपका श्वास अंदर जा रहा हो तो शिव संकल्प करें कि मेरे अंदर इस ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और जितने भी अच्छी शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं। और जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो मन में शिव संकल्प होना चाहिए कि मेरे शरीर के समस्त दुर्गुण, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर जा रहे हैं और मैं आरोग्य को प्राप्त हो रहा हूँ। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। इसमें आपके फेफड़े फूलने चाहिए, पेट को नहीं फुलाना है। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो ये पूरक क्रिया कहलाती है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसको रेचक की क्रिया कहते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। हमारे शरीर की 60 करोड़ कोशिकाएँ से सीधे प्रभावित होती हैं। मन में एकाग्रता का भाव आता है, चिंता, तनाव, सभी प्रकार की अनिद्रा, ये सब दूर हो जाती हैं और हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक आप आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन में एकदम शांत भाव, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन तनाव हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। प्रातःकालीन हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरते रहें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हमारा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है और हमें शांति का अनुभव होता है। यजुर्वेद में वायु ऋषि कहते हैं कि जीवमह शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, यानी वेद भगवान कहते हैं कि हे जीव, मैंने तुझे 100 वर्ष की आयु देकर इस संसार में भेजा है, तो योग और प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ कर और इस जीवन में अच्छा कर। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन में एकदम शांति का भाव आ जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मृदु यानी सॉफ्टली, गहरा लंबा श्वास अंदर भरते रहें। इस अभ्यास को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको तेज गति से करेंगे तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है, हार्ट के ऊपर भी दबाव आ सकता है, इसलिए हमें इसे सॉफ्टली करना होगा। गहरा लंबा श्वास अंदर भरते रहें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन में एकदम शांति का भाव होना चाहिए। जब हम स्वस्थ जीवन जीते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में ये सीधा
हमारे हृदय पर, हमारे फेफड़ों पर और हमारे समस्त शरीर के ऊपर इसका प्रभाव जाता है। ये सीधा हमारी नेत्रों को प्रभावित करता है, जिससे हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचने लगती है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। हमारी बॉडी में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ने लगती है और हम आरोग्य को प्राप्त होने लगते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। ये सभी व्यक्तियों के लिए उचित है, कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है, निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें, 5 से 10 मिनट तक तो कम से कम आपको करना चाहिए और आप इसको बढ़ाकर आधे से एक घंटा भी ले जा सकते हैं। ये पूरे शरीर के ऊपर हमारे स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमैटिक सभी प्रॉब्लम्स को क्योर करता है और हमें हमारी नेत्र ज्योति को भी बढ़ाता है। मन में एकदम रिलैक्स्ड और एक एक कोशिका हमारी ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाती है, जिसके माध्यम से पूरा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। जब आपके 5 से 10 मिनट पूरे हो जाएं तो आप इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल लें। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। डेली इसको अभ्यास करें और आपको निश्चित ही लाभ होगा। फ्रेंड्स, इस अभ्यास से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हम अपने लाइफ को अच्छे से जीने लगते हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। होप करता हूँ कि आपको ये प्राणायाम ठीक लगा होगा। इसी विधि से आप निरंतर करें। मिलता हूँ किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।